जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र में नकली नोट छापने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों समेत नकली नोट छापने का प्रिंटर और अन्य सामान जब्त किया है। देखिए glitz.in न्यूज पर संवाददाता संतोष प्रधान की ये खास रिपोर्ट। भारी मात्रा में 500 के नकली नोट को खपाने की फिराक में घूम रहे जीजा साला समेत तीन आरोपी आए पुलिस के गिरफ्त में। इन आरोपियों ने अपने ऐशो आराम के लिए नकली नोट छापने का धंधा बना रखा था, जिसे पुलिस ने आज भंडाफोड़ कर दिया है। बता दें कि जिले के बाराद्वार क्षेत्र में आरोपी नकली नोट को खपाने की नीयत से घूम रहे थे, लेकिन आरोपियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए और पुलिस ने बीच में ही आरोपियों को धर दबोचा और उनके कब्जे में 90,000 के नकली नोट और नोट छापने की सामग्री भी जब्त कर ली है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक आरोपी पूर्व में भी नकली नोट खपाने के जुर्म में जेल जा चुका है। बाराद्वार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी मयंक प्रताप साहू, लक्ष्मण नारायण साहू और यादराम सिद्धार्थ तीनों मिलकर बड़ी चतुराई से इस गैर कानूनी काम को बेखौफ होकर करते थे, लेकिन आज इन आरोपियों को पुलिस ने बड़ी चतुराई से घेराबंदी कर रंगे हाथ पकड़ा है। नकली नोटों को खपाने के संबंध में सूचना मिल रही थी पुलिस को, जिस पर की मुखबिर लगाया गया था और थाना प्रभारी बाराद्वार राजकुमार लहरे के नेतृत्व में उनकी घेराबंदी की गई और मौके पर आरोपी मयंक साहू और उसका साथी लक्ष्मी नारायण, जो कि परस्पर साला जीजा है, वो मिले और उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने उक्त नकली नोटों को यादराम सिदार के निवास पर रख कर बनाना बताया, जिस पर कि पुलिस पार्टी मौके पर गई और यादराम सिदार के घर से स्कैनर, प्रिंटर, ग्लास बोर्ड, कटर आदि अन्य सामग्री भी जब्त हुई है और कुल 90,000 रुपये के नकली नोट, 180 नग, 500 रुपये के नकली नोट इनके द्वारा अभी तक छापे गए थे, जो कि सभी नोटों को पुलिस ने बरामद कर लिया है और इस पूरे प्रकरण में थाना बाराद्वार में अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपियों को अभिरक्षा में माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। नकली नोट छापने व खपाने के मामले में जब आरोपी मयंक से मीडिया द्वारा पूछा गया कि किसके इशारों पर ये गैर कानूनी काम करते थे, तब वो बौखलाते हुए नजर आया। कब से कर रहे हैं? कितना नोट खपत कर चुके हो अभी तक? एक भी नहीं किए थे। इसको छाप छाप के घर में रख रहे थे क्या? खाली फोटो कॉपी बोले सर, बना नहीं, फोटो कॉपी। आधा भेज दिए हो? नहीं सर। कहाँ करते थे ये सब काम? और किसी दूसरे आदमी के बहकावे में आकर आरोपी मयंक प्रताप साहू ने ये गैर कानूनी काम अपने दो साथियों के साथ मिलकर करने की बात कही है। For more information, log on to www.glitz.in.